2220वां एपिसोड, 2220th एपिसोड ऑफ नागपुर्स मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो। हर बार मैं नागपुर मोस्ट हैपनिंग बोल रहा हूँ, आदत हो गई है, लेकिन आज मैं अमरावती में हूँ, तो दिस इज अमरावती इज मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो। शो का नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर ज्वेलर्स ऑफ नागपुर प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विथ ड्रीम्स हब। मेरी आज की जो मेहमान है, शी इज अ सुपर, शी इज अ पावरफुल लेडी, शी इज एंटरप्रेन्योर, शी इज एन एडुकेशनर, शी इज अ पीएचडी हरसेल्फ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शी हैज अंडरस्टूड लाइफ अमेजिंगली। प्लीज वेलकम माई गेस्ट टूडे, समबडी टू हुम आई हैव ग्रेट ग्रेट रिस्पेक्ट। प्लीज वेलकम माई गेस्ट टूडे। मैडम अपना परिचय खुद दें जी। जी मैम, मैम प्लीज आपका नाम। मेरा नाम है डॉक्टर कुंजन वेद। डॉक्टर कुंजन वेद हमारे साथ हैं, और डॉक्टर कुंजन वेद अब कैमरा में बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं। मैम नमस्कार, स्वागत आपका राज की बात में। सबसे पहले तो ये कि अंजार गुजरात की लड़की यहाँ अमरावती में क्या कर रही है? डेस्टिनी जी। तो छोटी थी तब क्या सपने थे, क्या बनना था, क्या करना था? कभी सोचा था कि एक प्री स्कूल चलाएंगे? कभी सोचा था टीचर? हमेशा ही बनना था टीचर, हमेशा से बनना था। टीचिंग वाज माय पैशन। ओके, तो जब खुद स्कूल जाती थी तब आज यू नो गुरु पूर्णिमा के दिन, टीचर्स डे के दिन अपनी कौन सी टीचर को याद करती हैं आप? हंसा मिस है जिनको मैं बहुत याद करती थी, और इनफैक्ट उस स्कूल छोड़े मुझे शायद 25 years हो गए, एंड लास्ट ईयर इन दिसंबर मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया, एंड बोथ ऑफ अस वेंट फॉर अ टूर बैंगलोर एंड कुड। ओके, सो दिस इज अ रिलेशन एज ऑफ नाउ कि आफ्टर 25 years भी हमारी वही बॉन्डिंग है। सुपर मैम, जब अमरावती आई है ना, विवाह करके जब अमरावती आई तब वो पहली बार आई थी? यस, फर्स्ट टाइम। नाम भी नहीं सुना था, नाम भी नहीं सुना था। तो जब अमरावती आई तो तब के अमरावती और आज के अमरावती में क्या फर्क देखते हैं? ओके, सो फर्क एज ऑफ फर्क से सिमिलरिटी मुझे ज्यादा लगती है। फर्क इन सेंस आप देख सकते हैं एक्चुअली की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो रहती है तो अब वो हाईटेक हो गई है, बीइंग अ टू टियर सिटी, इसके बाद भी जो डेवलपमेंट है इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। हमें सब कुछ यहाँ मिलता है, बिल्कुल जो वहाँ मिलता है, एंड वी हैव ग्रेट प्लेस टू प्रोग्रेस हियर। मैम जब अपने इस जर्नी को देखती हैं, क्या पाया क्या खोया अब तक? सो वैसे हम आई एम ऑप्टिमिस्टिक, तो मैंने सिर्फ पाया ही पाया देखती हूँ, हमेशा ऑन लर्निंग मोड रहती हूँ कि कहाँ से क्या क्या पाया। सो आई एम वेरी लकी कि बीइंग फ्रॉम एक बेसिक, मैं चाइल्डहुड से स्टार्ट करूँ तो मैं अंजार से बिलोंग करती हूँ, एक छोटा सा टाउन है कच्छ में। सो वहाँ पे जब मैं एजुकेशन के टाइम, मेरे वो जो चाइल्डहुड टाइम था, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं थी, इट वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, और हमारी क्लास में सिर्फ 6 लड़कियां थी जो इंग्लिश पढ़ती थी, बिकॉज द लैंग्वेज वॉज नॉट दैट इम्पोर्टेंट वो टाइम पे, और बॉयज को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। वो टाइम पे मुझे मेरे पेरेंट्स ने वो 6 में मैं इंक्लूडेड थी, तो आई वाज वेरी प्राउड ऑफ इट कि वो एजुकेशन मुझे मिला था, एंड पहले से ही एजुकेशन से प्यार था मुझे, पढ़ाई करनी बहुत अच्छी लगती थी, एंड जैसे जैसे आगे हुए देन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, एंड तुरंत जैसे ग्रेजुएशन हुआ जस्ट एग्जाम दे के आई बीकॉम की जी, एंड नेक्स्ट डे मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई। ओह माय गॉड, सर वेरी यंग एज, द एज ऑफ 21 मेरी एंगेजमेंट हो गई, एंड एज ऑफ 22 वाज यू गॉट मैरिड। या बट आई वांटेड टू स्टडी, एंड अगेन जैसे गेनिंग आई वाज वेरी लकी, तो मुझे फैमिली भी इतनी अच्छी मिली जी। मेरे जो ससुर जी थे, सास थे, दे वर फ्रॉम अ एजुकेटेड बैकग्राउंड, खुद टीचर थे इन होली क्रॉस एंड ऑल, तो दे मोटिवेटेड मी, माय हस्बैंड मोटिवेटेड मी टू स्टडी। सो ही मोटिवेटेड मी टू स्टडी कि नहीं कर सकते हैं, सो आफ्टर कमिंग हियर आई डिड माय बीएड, देन आई कंप्लीटेड 2 मास्टर डिग्रीज ऑफ एमए एंड एमकॉम, एंड देन आई डिड माय पीएचडी। सो इट्स नेवर टू लेट, तो एजुकेशन गेन करने के लिए कोई एज नहीं रहती। ओके, सो मैम जब ये आप यहाँ पर आई और आपको ये प्रोत्साहन जो मिला कि आपने और पढ़ना चाहिए और आप
अपनी खुद की एक यू नो एक जगह बना रही थी। क्या कभी उसी दौर में ये जो आइडिया आया टू स्टार्ट मधुरम, हाउ डिड स्टार्ट? बिकॉज यू नो अ प्री स्कूल इज वेरी बेसिक, बेसिकली द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ चाइल्ड, तो ये कैसे शुरू हुआ? It was our dream project. It was our dream project. So you and Himanshu, sir. Yeah, both of us, luckily. Mm-hmm. So the first meet, jab log mile the, so rather than discussing anything other, we had a discussion on topic of education. They wanted to start a new school, some good type of education jo hum kuch de sake. Both of us wanted to give something good to society after us. And we believe that hum log yahan pe kuch purpose ke liye rehte hain. So just सर्च करना रहता है कि अपना पर्पस क्या है आने का। जी। सो पहले से ये था कि करना है, बट जैसे हमारी शादी हुई विद इन अ ईयर माय फादर इन लॉ एक्सपायर्ड, सो इट वाज नो मोर। तो जो इंडस्ट्री जो ट्रेडिंग लाइन थी हमारी, देन वी शिफ्टेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैसेस एंड ऑल। तो उसकी वजह से वो टाइम लगा बट फोकस नहीं हटा आफ्टर 16 years। 16 years तक बैक ऑफ माइंड सबकॉन्शियस माइंड हमें वो याद दिलाता था कि स्कूल खोलनी ही है। सो जैसे मैंने बताया एजुकेशन यहाँ पे आके लिया, तो वो डायरेक्शंस में काम करते गए हम लोग, बीएड, उसके बाद पीएचडी। सो द टॉपिक ऑफ पीएचडी भी वही सर्च था। सो द डिग्री वाज नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर मी, आई वांटेड टू गेन दैट नॉलेज कि सोसाइटी को क्या चाहिए। तो क्या चाहिए सोसाइटी को? तो जब मैंने 100 स्कूल का रिसर्च किया यहाँ पे, अमरावती डिस्ट्रिक्ट पूरा रिसर्च किया था, एंड इट वॉज एन एक्चुअल सर्वे जो मैं एक छोटी स्कूल और बड़ी से बड़ी स्कूल में गई, एंड द रिसर्च जो मैंने की इट वॉज फ्रॉम ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि फोर डायमेंशनल थी, फ्रॉम पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स। तो बेसिक एजुकेशन सबको मिल रहा है, एवरी स्कूल इज ट्राइंग द बेस्ट टू गिव द एजुकेशन, लेकिन सीइंग द सिचुएशन ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस यंग एज, वी फेल्ट कि विद एजुकेशन हमारा कल्चर कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन आ रही है, बट जो रिच कल्चर है इंडियन, वो कहीं ना कहीं छूट रहा है। तो अगर हम वो भी अगर पकड़ के रखे, इट इज द नीड ऑफ अ टाइम, अगर वो पकड़ के रखे एंड देन वी गेन दैट वेस्टर्न एजुकेशन, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंडियन कल्चर विल गिव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट टू आर किड एंड विल श्योरली डेवलप गुड लीडर्स ऑफ टुमारो। सो वी फोकस्ड कि वो कैसे कर सकते हैं, हाउ टू इन्वॉल्व रिच कल्चर इन एजुकेशन। मैम जैसे स्कूल्स में यू नो मैक्सिमम स्कूल्स की जब मैंने यू नो वो अपनी ब्रांडिंग भी करते हैं, मार्केटिंग भी जब करते हैं, तो वो कहते हैं कि यू नो आजकल जो स्कूलिंग है या जो यू नो जो एजुकेशन का जो माध्यम है वो एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच है। दे ट्राई एंड गिव 360 degrees यू नो वर्टिकल व्हेन इट कम्स टू अ चाइल्ड्स एजुकेशन, नॉट जस्ट यू नो बेसिक बुकिश लर्निंग बट ऑल्सो म्यूजिक, ऑल्सो आर्ट्स, ऑल्सो कल्चर, ऑल्सो यू नो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ लाइफ। तो क्या हम अभी ऑन द राइट ट्रैक, और पीपल फ्रॉम द और पीपल फ्रॉम द एजुकेशन फील्ड शुड नाउ ट्रांसफॉर्म? देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, राइट? वो साइकिल रहती है। सो एट टाइम our base was a gurukul system, वहां से हम मॉडर्नाइज हो के एकदम वी स्टार्टेड आवर वेस्टर्न स्कूल्स अगेन। नाउ देयर इज समवॉट अ नीड ऑफ दैट गुरुकुल पैटर्न अगेन। बच्चों के पास नॉलेज है बट इट्स वेरी वन ट्रैक, आप देखेंगे दे डोंट थिंक ऑफ सोसाइटी। टूडे जनरेशन बींग एजुकेटेड इट्स ओनली वन वे कि उनको ऑब्वियसली सीइंग द कॉम्पिटिशन, अच्छा एजुकेशन लेना है, मेरिट आना है, द सेम प्रोसेस गोज अप टिल 10th एंड 12th, देन द हायर डिग्रीज, अच्छी जॉब, अच्छी कमाई, मैक्स टू मैक्स बंगलो एंड कार्स, एंड दिस लाइफ इज ऑफ। जी, लेकिन दिस इज नॉट लाइफ। जी, हम यहाँ पे आए हैं कुछ पर्पस से, एज आई टोल्ड बिफोर। सो पर्पस ढूंढने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, कोई शांति से बैठ के वो पर्पस नहीं ढूंढता है। अब सोसाइटी हम कुछ दे रही है, जाने से पहले उनको कुछ रिटर्न करना है। तो वो सर्च करना बहुत जरूरी है कि वो क्या नीड है सोसाइटी की, जो हमें करना चाहिए। तो लेसन्स फ्रॉम बुक से ज्यादा लेसन्स ऑफ लाइफ जरूरी है, इन प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट होना। स्कूल इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, सो सोसाइटी में क्या चल रहा है स्कूल में पता होना चाहिए एवरी वे। तो नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिकल फील्ड विजिट्स लेते हैं जहाँ पे एक्चुअली हर एक जो प्रोफेशनल्स रहते हैं उनको मिलाते हैं, क्योंकि एक पास्ट में जो हमारा एजुकेशन था ऐसे रहा था कि आफ्टर स्टडिंग और ग्रेजुएशन जब एक्चुअल लाइफ में आए तो द नॉलेज वॉज इनकम्प्लीट,
हमें कुछ ना कुछ प्रोफेशनल जाने के बाद आफ्टर कमिंग इनटू दैट लाइफ हमें सीखना पड़ा. बिल्कुल बिल्कुल. सो जस्ट आई ट्राई टू फिल दैट गैप कि क्या चीज मिसिंग होती है जो हम बच्चों को अभी से स्मार्ट बना सकते हैं. तो आपने कहा कि यू नो जिस दिन जब आपकी सगाई के पहले जब आप और हिमांशु सर मिले तो आपने इस विषय पे बहुत बात की और फिर आपने ये दिस वाज योर ड्रीम प्रोजेक्ट एंड देन यू स्टार्टेड यू नो मधुरम. ओके मैम, एक दौर आया आपके जीवन में विच वॉज नॉट लेस देन रोलर कोस्टर, है ना मैम. वो दौर को अब जब पलट कर देखती हैं, हम श्योर दर्द है, तकलीफ है, बट कैसे देखती हैं उसको? हाउ टू, व्हाट आर द लेसन्स? बिकॉज आप एक पॉजिटिव इंसान है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. आई टुक इट वेरी पॉजिटिवली, नॉट एट दैट टाइम ऑफ कोर्स, क्योंकि थ्रू दिस आई वुड लाइक टू जस्ट शेयर दैट माय हस्बैंड पास्ड अवे ईयर एंड हाफ बिफोर. जो कोविड में ये जो सर्विस जो दी हुई थी, सो वी आर इनटू द ऑक्सीजन सिलेंडर्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड वी वांटेड टू सर्व द सोसाइटी कि कोई भी इंसान अमरावती का गैस ना पहुंचने से डेथ ना हो एंड वी कैन प्रोवाइड देम. वी ट्राइड आवर बेस्ट वर्किंग 22 आवर्स ड्यू टू ऑल दिस थिंग्स. जो इम्यूनिटी उनकी डाउन हुई एंड सफर्ड थ्रू वेरियस डिजीज एंड देन फाइनली विच रिजल्टेड इनटू अ हार्ट फेलियर. सो एक रात पहले जो हम लोग नवरात्रि में हंसी खुशी खेल रहे थे, गरबा खेल रहे थे, एंड नेक्स्ट डे बिफोर द नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही वाज नो मोर. सो रातों रात कैसे लाइफ चेंज हो सकती है वो सीखा. एंड इनिशियली कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इससे जो लेसन मैं लोगों को देना चाहती हूँ एक्सेप्टेंस. एंड ये मुझे मेरे पापा ने सिखाया कि लाइफ इज टफ नाउ. दुख तो हुआ है, प्रॉब्लम तो आई है और बड़ी आई है जी. तो रादर देन टेकिंग टेंशन और रोना उसके पीछे, लेट्स ब्रेक देम इनटू पीसेस एंड लेट्स सॉल्व देम वन बाय वन. एंड फॉलोइंग दैट स्टेप आई एम हियर इन 1.5 इयर्स वेरी कॉन्फिडेंट सेटिंग रनिंग टू मधुरम स्कूल्स एंड वी गॉट एफिलिएशन ऑफ 12th स्टैंडर्ड. And with this, I'm also running two oxygen plants, and maybe I would be the first lady into this industry. आपका दिन, आपकी सुबह कब शुरू होती है? और दिन किस किस्म से खत्म होता है? Yeah, I'd like to share that. So I'll start with the day 5:30. Before that, I'd like to tell that I have three kids. So the youngest is Radha, 12 years, and Dhruv. 9 years and Arjun, the youngest one, he is 5 years. So unki sundar sundar chehre se hi shuruaat hoti hai ji. And 5:30 baje hum log uthte hain. So ek ek karke morning we all are very fresh. Hum log ek ek karke main sabse padhai leti hu because mujhe nahi chahiye ki being in this busy life wo jo touch hai maa ka wo bachcho se chhoote. Bilkul. And the education base ho raha hai to wo bhi kahin bhi miss nahi hona chahiye. So initially we have a quality time for 3 hours with each other. But the education pe zyada focus hai the morning time. Then they go to schools aur main bhi yahan pe aati hu. So I handle both the schools and midway after 1 to 4 I go to both the factory, visit factories. One is in Amravati and monthly visit is in Yavatmal, Radha factory. Then I come back home for half an hour, meet them, have high tea, and then I go to our shop, the office, main office. Then I come back at 9. So I have a working of office working 13 hours and normal working 16 hours. And after 9, we have fun time, me and kids, 9 to 11. So even after being busy, I just kids are my priority. So मैं उसका एजुकेशन भी लीव नहीं करती एंड मैं उनका फन भी नहीं लीव करती एंड संडे ओनली मी टाइम विद किड्स. आपने ये बताया कि आपके पास कौन सी चीजों के लिए वक्त है ना. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास कौन सी चीजों के लिए वक्त नहीं है. एक्चुअली मुझे जो जो करना है उसके लिए मेरे लिए वक्त है. तो मुझे वक्त नहीं है ऐसा फीलिंग आती ही नहीं है क्योंकि वर्क इज माई पैशन, टीचिंग इज माई पैशन. सो मुझे जो पसंद आता है वो पूरे दिन मेरे साथ रहता है. एंड फाइनली किड्स. कौन सी चीजें बदली हैं वक्त के साथ? वक्त ही बदल गया है एक्चुअली. वक्त ही बदल गया. सो इनिशियली आई वाज अ हाउसवाइफ, मे बी
5 years बिफोर, क्योंकि 5 साल पहले स्कूल स्टार्ट किया, आई वाज टेकिंग ट्यूशन, बट एक दो घंटे की ट्यूशन लेना एंड रनिंग एन इंडस्ट्री एंड रनिंग अ स्कूल एंड फेसिंग सोसाइटी, तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंसेस आए उसके थ्रू, प्लस माइनस, बट लाइफ ने काफ़ी कुछ सिखा दिया 1.5 साल में, जो मे बी 10.5 साल में नहीं सीख पाई. Now, kids are too small to understand this side of you. I'm sure there are people around you, your friends, to whom you can count on the finger. ऐसे 5 लोग जिनके बिना आपका जीवन अधूरा है. 5 लोग तो वैसे नहीं है, मेरी कुरकुरे फैमिली है, बड़ा है तो बेहतर है. ओके. सो एक तो अगेन सिस्टर इन लॉ सपना मेहता एंड देयर किड्स, दे सपोर्टेड मी वेरी वेल ड्यूरिंग दिस टाइम. ऑफ कोर्स माय मदर एंड फादर, बस वो भगवान है मेरे लिए, बिकॉज एट द एज ऑफ 75 ही इज 75 एंड स्टिल इज वर्किंग फॉर मी, कि नहीं सेट हो जाए सब देख लेंगे. सो उनका कॉन्फिडेंस देख के मेरा वो कॉन्फिडेंस आया, और मेरा वो कॉन्फिडेंस देख के मेरे बच्चों में वही कॉन्फिडेंस है कि माय मामा इज नॉट अलोन. तो मुझे कभी भी ये नहीं चाहिए था कि आफ्टर दिस इंसिडेंट बच्चे कभी भी बेचारे बोले जाए, बिकॉज दिस वॉज अ डेस्टिनी ऑफ लाइफ, और वो एक्सेप्ट करके कैसे बढ़ना बच्चों को देखने, दैट वॉज माई मोटिव एंड आई वॉज राइट इन दैट डिसीजन, कि दे फील वेरी प्राउड कि जब वो स्कूल जाते हैं कि मम्मा सब आपकी बातें करते हैं, अपनी स्कूल है, हम सबको बताते हैं कि अगर हम मैनेज करने वाले हैं. छोटा आके बोलता है मम्मा टेंशन मत लेना, आपकी फैक्ट्री स्कूल में संभाल लूंगा जी. तो मैं बोलती फिर अच्छा बड़ा भैया क्या करेगा, वो आपको संभालेगा ना. सो अगेन थर्ड में किड्स, काफी क्लोज फ्रेंड्स है. सो मैं बोला कुरकुरे फैमिली, तो वी हैव अ ग्रुप ऑफ 28-30 फ्रेंड्स, जो वो 1.5 साल कंटिन्यूस मेरे सपोर्ट में रहे. उनको पता था कि कब मैं स्ट्रांगली आगे जा रही हूँ, उन्होंने कभी वो सिंपथी वाला फेज नहीं दिखाया मुझे जी. और उनको पता था कि कब मैं रुकूंगी जहाँ पे उनको मुझे पुश करना है. मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस वक्त आपका एपिसोड मेरी वाइफ भी देख रही है. ओके. ठीक है. और मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव अर वेरी मच. या तो मेरे मन में हमेशा एक डर रहता है कि जो अमूमन तौर पे किसी के साथ भी हो सकता है, है ना, किस तरह से वो अपनी स्ट्रेंथ बनाए, अपने आप को स्ट्रांग कैसा बनाए. कल को अगर मैं अपनी वाइफ का नाम भी लेता हूँ, विनया उनका नाम है, एंड इट्स बीन गुड 25+ years ऑफ आर मैरिज. And I still have this thing that if I'm not there, how will she handle? Tips for her. Actually, life काफी कुछ सिखा देती है, but the optimistic behavior is much more needed. क्योंकि मुझे वो पता था कि मुझे 4 साल रोने के बाद भी खड़ा होना है, 4 महीने के बाद भी खड़ा होना है, तो मैं वो 4 दिन में क्यों ना करूँ. तो वो मैंने 4th दिन से स्टार्ट किया अपने आप को मनाना, एक्सेप्टेंस लाना. आई स्टार्टेड वर्किंग, द बेस्ट वे टू डाइवर्ट माई सेल्फ वॉज वर्क. सो आई स्टार्टेड गोइंग टू माई फैक्ट्रीज. आई हैड अ थियोरेटिकल नॉलेज, बट प्रैक्टिकली मैं वो नहीं संभालती थी, बट नाउ आई हैव थर्ड नॉलेज ऑफ दैट टू, बिकॉज आई एम ऑलवेज ऑन लर्निंग मोड. सो सबसे पहले कि कोई भी लेवल पे आने के बाद लर्निंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस की कोई भी हम सिखा. छोटा बच्चा भी आके मुझे रोज कुछ नया सिखा के जाता है स्कूल में. द अदर जो मैं फेस करती हूँ, या फिर नॉर्मल इंडियन वुमेन्स का मैंने देखा हुआ है कि शायद वो अर्न कर लेते हैं, बट जो फंडिंग का जो पार्ट रहता है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट रहता है, वो हस्बैंड्स पे या फादर्स पे डाल देते हैं. तो वो नॉलेज होनी चाहिए सबको. तो दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट की पहले से. एंड द बॉन्डिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी वेरी स्ट्रांग, कि हर एक चीज जो उनके लाइफ में है उनको पता नहीं. या इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, एंड दैट हेल्प मी वेरी वेल, बिकॉज हिमांशु एंड मी हैड वेरी ग्रेट बॉन्ड. सो इवन आफ्टर नॉट गोइंग फिजिकली टू फैक्टर, मुझे पता था कि कौन पर्सन कैसा है, कौन पार्टी कैसी है, किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है. आर स्टाफ इज एक्स्ट्रॉर्डिनरीली मोर देन फैमिली, दे सपोर्टेड मी. आई स्टाफ ऑफ 115 स्कूल एंड 58 फैक्ट्री, लेकिन दे जस्ट वर्क दिस फैमिली, कि हम है भाभी, डोंट टेक टेंशन, हम है आपके साथ. सो वो बहुत इनफ था एक लिंक मुझे स्टार्टिंग में, कि मुझे किस पे ट्रस्ट करना है. एंड अगेन जो फंडिंग है, इन्वेस्टमेंट्स है, जो टेक एंड गिव्स रहते हैं,
वो काफी ट्रांसपेरेंट होने चाहिए बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. नॉर्मली ये केस देखा जाता है स्पेशली इन जॉइंट फैमिलीज की फादर इन लॉ या उनके जो सन रहते हैं उन पर डिस्कशन रहती है. लेडीज घर का देखते हैं जो मेल्स रहते हैं बाहर का, तो वो कॉमन डिस्कशन होनी चाहिए. इट विल रियली हेल्प देम. मैम अब आपकी दो फैक्ट्री जो दो यूनिट्स हैं आपके उन्हें और मधुरम के ये जो दो यू नो प्री स्कूल्स हैं कहाँ तक ले जाना है? व्हाट्स द एस्पिरेशन? पूरी दुनिया में. सो दिस इज माय लाइफ. जैसे मैंने बताया कि मधुरम जो है इट्स नॉट अ स्कूल, इट्स अ फैमिली. राइट. और काफी कुछ मैं सोसाइटी को क्या चाहिए है. राइट. मुझे मेरे स्कूल में 1000 बच्चे नहीं चाहिए, मुझे स्कूल में सिर्फ 100 चाहिए, लेकिन वो क्वालिटी बच्चे चाहिए जो समाज के लिए आगे कुछ अच्छा करेंगे. और वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कंसिडरेशन रहेगा, एंड दे लेड द सोसाइटी फॉर श्योर. सो आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई विल बी सून गोइंग इन टू फ्रेंचाइजी. मैं काफी जगह से ऑफर्स आई हुई है उसकी. सो वो बस मुझे है कि नॉट ओनली इन इंडिया बट मेरी फ्रेंचाइज वर्ल्ड वाइड रहे, बिकॉज मुझे जो देना है सोसाइटी को इट्स एक्चुअली अ नीड ऑफ सोसाइटी. मैम मेरे आखिरी के दो तीन सवाल. एक ये कि जब यू नो व्हेन यू आर एज अ सिंगल मदर यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग एंड यू आर नॉट जस्ट यू नो मेकिंग योर किड्स ग्रो बट यू आर ऑल्सो ग्रोइंग विद टाइम, आर देर अ फ्यू थिंग्स यू शुड यू नो मेक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ? यू नो थिंग्स लाइक म्यूजिक. डू यू लिसन टू म्यूजिक मैम? Actually, I don't get time to do all these things. But मुझे डांस पसंद है, मुझे आर्ट पसंद है. शॉपिंग पसंद है? नहीं पसंद. बहुत ज्यादा. अच्छा, उसके लिए वक्त मिलता है नहीं मिलता है? I pamper myself. मेरे में टेंशन आता है, मैं शॉपिंग के लिए चली जाती हूँ. ओके. सो मुझे ऐसा है कि जब तक मैं खुश नहीं, मैं स्ट्रेस में नहीं रह सकती. राइट. तो आई लव स्पोर्ट्स, सो मैं क्रिकेट भी. ये बिल्कुल मत बोलिएगा ऑन द शो कि मुझे स्ट्रेस आता है तो मैं शॉपिंग जाती हूँ. मैम बहुत सारी लेडीज अगर ये सीख गई तो पुरुषों के लिए बहुत खराब होगा. लेडीज यही सीखेंगे शायद. अरे मुझे लगता है कि स्ट्रेस है जी. लाइफ इज नॉट दैट सिंपल. सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं, दिस इज अ स्टोरी ऑफ एवरी सिंगल मदर. मे बी वो शी इज अ डाइवोर्सी और विडो और कुछ भी. सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, वो पहले जैसी नहीं रही. द एक्सेप्टेंस इज मच मोर देन बिफोर. लाइफ ऐसी नहीं रही, लेकिन वी कैन बी इन स्ट्रेस एवरी टाइम. जब तक मैं खुद अपने आप को खुश नहीं रखूंगी, मैं खुश नहीं रहूंगी. मैं सामने वाले को, मेरे बच्चों को, मेरे स्टाफ को खुश नहीं रख पाऊंगी. सो मैं हमेशा खुश रहने की ट्राई करती हूँ. मुझे जो अच्छा लगता है मैं करती हूँ. मैं स्पोर्ट्स मुझे अच्छा लगता है. सो काफी सारी सोसाइटीज में आई एम लिंक विद मैनी सोसाइटीज एंड क्लब्स एंड ऑल. सो वहाँ पे कुछ कॉम्पिटिशन रहते हैं क्रिकेट के. आई पार्टिसिपेट मैम. मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगर यू नो अमूमन तौर पे मैंने इसके पहले भी मैम आप इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ वुमेन इन माय लाइफ या सो बहुत सारी कई बार ऐसी महिलाएं होती हैं जो बहुत सारी ये जो पर्सनल बातें होती हैं है ना ये अपने तक सीमित रखती हैं. कुछ प्लेटफॉर्म पे आकर यू नो कहना चाहती हैं बट कहीं ना कहीं उनमें झिझक होती है. आप आज अपनी लाइफ की जो यू नो जो शैलो टाइम रहा आपका, आपने वो हमारे साथ शेयर किया. ये जो स्ट्रेंथ है या जो एक इसके पीछे जो एक आइडियोलॉजी है या एक थॉट है, ये क्या है, ये कहाँ से आता है? ये एक मेरे फादर से आता है ऑफ कोर्स. ही इज वेरी पॉजिटिव एंड जैसे मैं बताया कि प्रॉब्लम्स आती है लेकिन कैसे बढ़ना. एंड बिफोर इन 2001 जब वो अर्थक्वेक हिट हुआ था कच्छ में जी, तो वहाँ पे वो सिचुएशन तभी भी हमने देखी थी कि जब हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज थी, रातों रात कैसी चीजें डिस्टर्ब होती है. एंड वी सॉ आवर फादर ग्रो अगेन. हमने देखा वो पूरा खत्म होने के बाद वापस वो कैसे ग्रो होके रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हुई. एंड बहुत बार ये होता है कि ऐसे सिचुएशंस आनी है किसी ना किसी की लाइफ के बाद. पार्टनर्स है वन ऑफ देम, कोई ना कोई फर्स्ट जाने ही वाले हैं. बिल्कुल राइट. सो लाइफ खत्म नहीं हो जाती, बस ये है वो एक्सेप्टेंस लाके. वो डेस्टिनी थी, एक्सेप्टेंस है. एंड बिकॉज आई एम मेरा जो बेस है इट्स माइथोलॉजिकल बेस. तो मैं बिलीव करती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड की जर्नी है जी, वो कुछ अलग आगे पर्पस के लिए तैयार थी. एंड ही इज ग्रोइंग देयर. सो आई जस्ट लर्न टू लीव हिम एंड डू समथिंग फॉर सोसाइटी. मैम बिफोर आई थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई शो,
सेल्फ एडमिशन. आई थिंक मैं वाकई में एक गुरुकुल में बैठा हूँ, एक क्लासरूम में बैठा हूँ, वेर आई एम गेटिंग द बेस्ट लेसन्स ऑफ लाइफ. मैम, अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, डॉक्टर कुंजन हिमांशु वेद, कौन सी ऐसी लाइन उसके नीचे लिखेंगी? कौन सा एक ऐसा थॉट, एक बेस्ट प्रैक्टिस, द लेसन ऑफ लाइफ उसके नीचे आप लिखेंगी जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? मैं वैसे भी कुछ ऐसा करना चाह रही हूँ कि लोग मुझे 2000 साल याद करें. बिल्कुल. एंड वो लाइन रहेगी, लिव लव एंड लेट द सोसाइटी. क्यों? जैसे मैं बताया, सिचुएशंस जो है हर एक की लाइफ में प्लस माइनस रहती है, तो रादर देन गोइंग टू डिप्रेशन और उसको वो ना करते हुए, वी शुड एक्सेप्ट इट एंड लिव द लाइफ. क्योंकि वो जो सर्कल में बहुत कुछ करने के बाद हमें ये जीवन मिला है, एंड वी शुड मेक फुल आउट ऑफ इट. वी आर हियर टू लव ईच अदर. मैम, उम्मीद है कि या प्रार्थना है कि आप मधुरम को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं. प्रार्थना है कि आपका जो एक यू नो एक आपका जो एक इनिशिएटिव है वो लोगों तक पहुंचे. विश्वास है कि आपकी कहानी हजारों लोगों तक पहुंचेगी और वो आपकी कहानी से वो सब सीखेंगे जिनसे वो जीवन में जब किसी भी सिचुएशन में ऐसे फंसेंगे जहां पर या उन्हें फेस करना है या उन्हें यू नो कमज़ोर होकर बैठ जाना है, तो वो उसे फेस करने की ताकत अपने अंदर लाएंगे और अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस को यू नो महत्वता देकर उसे एक्सेप्ट करके चार दिन में खड़े हो जाएंगे, है ना? आप इस शो पर आई, आपने हमसे बात करी, आपने हमें मोटिवेट और इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैम, इट्स एन ऑनर मीटिंग यू. सुपर. डॉक्टर कुंजन हिमांशु वेद से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात. 2220 एपिसोड पहले जब मैंने ये शुरुआत की थी राज की बात की, तब कोविड का दौर था और कोशिश यही थी कि मैं लोगों को वो रियलिटी लोगों तक पहुंचाऊं जो रियलिटी उन्हें कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक्सेप्टेंस वैल्यू बढ़ा दें. दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि सुबह होने पर सूरज निकलता है. क्या ये सही है? या फिर सूरज निकलने पर सुबह होती है? दुर्भाग्य की बात यह है कि हम यू नो एक ऐसी संस्कृति में पले हैं, जन्मे हैं, जिन्होंने हमेशा दर्द से बाहर निकलकर एक यू नो एक नए चरम पर अपने आप को पहुंचाया. 1947 के पहले हजारों लाखों करोड़ों यू नो भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति को दी यू नो दी और उसके बाद हमें आज़ादी मिली. लेकिन अब भी हम कई बार इमोशनली अपने आप को कमज़ोर करके उस कैद में जकड़ जाते हैं जिससे हम बाहर निकलकर शायद पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं. जीवन कब पलटे नहीं कह सकते, कब आपके जीवन में वक्त एक बड़ी चुनौती लेकर आए नहीं कह सकते, लेकिन इतना विश्वास तो हम खुद पर रख सकते हैं कि मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है. मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है. आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं. और अगर आपके परिवार में एक बिटिया है जो अपने परिवार का गौरव है, अगर आपके परिवार में एक बिटिया है जो अपने माता पिता अपने टीचर्स के संस्कारों में पली बड़ी है और उसने जीवन में सिर्फ एक चीज अपने अंदर में हमेशा रखी है और वो है विश्वास. जावेद अख्तर बहुत खूबसूरत लिखते हैं कि जिंदगी है तो ख्वाब हैं तो मंजिलें, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है. क्योंकि एक फाइटर हमेशा जीतता है. एक पेन का ऐड है ये, लेकिन बड़ा याद रहता है. अगर आपकी बिटिया ऐसी बन रही है तो समझिए वो डॉक्टर कुंजन हिमांशु वेद बन रही है.
जिंदा रहें, जय हिंद।